दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास दस की जो हमारी इंग्लिश है तो विषय जो हमारा कक्षा 10 का हमारा विषय अंग्रेजी है, उसमें COVID-19 महामारी के कारण यानी कोरोना के कारण जो हमारा 30% का सिलेबस घटाया गया है, आज हम वो देखने वाले कि कौन कौन सा पार्ट हमें अब नहीं पढ़ना है और कौन कौन से पार्ट को हमें पढ़ना है, तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो क्या दिया गया है कि विषय अंग्रेजी हाई स्कूल, और क्या दिया है कि COVID-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 में समय से विद्यालय में पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय शिक्षकों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो आपको प्रोज में जो हमारा प्रोज वाला पार्ट है, जो प्रोज वाला हमारी बुक है, उसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, देखो चैप्टर नंबर 5 और 6 हमें नहीं पढ़ना है। टॉर्च बियरर्स जो कि बाय W.M. रॉयबर्न द्वारा लिखा गया है, वो चैप्टर हमें अब नहीं पढ़ना है। आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरी एंड एनेक्डोट्स बाई आर श्रीनिवासन जी द्वारा जो लिखा गया है, वो भी अब हमें नहीं पढ़ना है। पोएट्री में क्या है, पोएट्री में देखो क्या है कि द नेशन बिल्डर यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो हमारा द नेशन बिल्डर्स है, और जो रिटन जो लिखा गया है बाय R.W. Emerson द्वारा, वो चीज़ें हमें, वो जो लेसन है वो हमें नहीं पढ़ना है। अब देखो सप्लीमेंट्री रीडर वाली बुक में हमें क्या नहीं पढ़ना है, तीसरा पार्ट जो माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइस जो बाय जेसिस ओवेंस द्वारा लिखा गया है, वो हमें नहीं पढ़ना है। अब देखो यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक चीज़ें हैं ना, 1, 2, 3 यानी कि प्रोज में, प्रोज वाले बुक में हमें चैप्टर नंबर 5 और 6 नहीं पढ़ना है, और पोएट्री में चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ना है, और सप्लीमेंट्री में चैप्टर नंबर 3 अब नहीं पढ़ना है। अब देखो उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत यानी कि जो जो चीज़ें अब हमें पढ़नी है वो नीचे दी गई हैं। देखो क्या क्या चीज़ें हमें अब पढ़नी है, इंग्लिश क्लास एक्स यानी कि कक्षा 10 पूर्णांक 100, इसमें एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का तथा समय 3 घंटे का होगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित हैं जिसका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। कहने का मतलब यह है कि 70 नंबर जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बाकी 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल से मिलेगा यानी 30 नंबर स्कूल वालों के द्वारा दिया जाएगा, बाकी 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। और पेपर किस प्रकार से आएगा वो हमारे नीचे दिया गया है कि इस प्रकार से वो पेपर आएगा। अब देखो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, अंग्रेजी विषय की पाठ वस्तु निम्नवत यानी कि अंग्रेजी विषय में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो नीचे लिखी गई है। देखो हमें क्या पढ़ना है, और अभी तक हाँ एक बात ये है कि अगर यदि आपने हमारे चैनल 9 to 12 क्लासेस को सब्सक्राइब अगर नहीं किया ना, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब हम इंग्लिश और हिंदी की भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो देखो क्या करना है, अब हमें क्या क्या पढ़ना है इस इंग्लिश के चैप्टर, इंग्लिश वाली बुक में क्या क्या पढ़ना है। प्रोज में क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर है द एंशिएंट पूल जो कि बाई सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है, और अ लेटर टू गॉड दूसरा चैप्टर है जो लिखा गया है बाई G.L. फाउंड्स द्वारा, और तीसरा चैप्टर द गंगा है जो कि बाई P.T. J.L. नेहरू द्वारा लिखा गया है, और सॉक्रेटिस जो कि रॉडा पावर द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। पोएट्री में द फाउंटेन पढ़ना है, द साल ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये सब चीज़ें, ये सब पार्ट जो है हमें पढ़ने हैं। और देखो क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन यानी ग्रामर वाले सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या पढ़ना है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस फॉर्म एंड यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो ये सब चीज़ें जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें हमें तो नहीं लगता कोई बदलाव हुआ है,
क्योंकि ग्रामर तो पढ़नी ही पड़ती है, इसीलिए ग्रामर में कोई बदलाव किया नहीं गया है, क्योंकि आगे भी यूज़ होती है ना। तो ग्रामर में आपको सब पढ़ना है। और देखो क्या है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करना है वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, कंट्रोल कंपोजिशन, और क्या इसमें है, लेटर राइटिंग। कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि कोई इस प्रकार से, मतलब कोई कहानी दे दी जाएगी इंग्लिश में और उसी में से आपको आंसर बताना होगा, तो कंपोजिशन का मतलब ये हुआ ना। और यहाँ पे क्या देखो, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये भी आपको पढ़ना है। और कंप्रेशन, अनसीन पैसेज भी आपको पढ़ना है ना। तो इसमें देखो अनसीन पैसेज भी दिया रहेगा, यानी कि जो आप कभी पढ़े नहीं रहेंगे उसमें से आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चनों को उसी में से छाँटना होगा और उसका आंसर देना होगा। और यहाँ पे क्या दिया गया, अपेंडिक्स, वर्ड ऑफ कंफ्यूज, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्राइज ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स, ग्लोसरी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है ना। तो हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया कि COVID-19 महामारी के कारण जो 30% का हमारा सिलेबस में जो कमी किया गया था वो चीज़ हमने आपको बताया, और क्या क्या आपको पढ़ना था वो चीज़ हमने बताया। तो फिर से आप एक बार बता देते हैं कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पे जो लिखा गया है, इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आप एक बार देख लीजिए। और अपनी जो इंग्लिश की बुक है उसमें क्या करते हैं, चिन्ह भी लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, और जो जो चीज़ें पढ़नी है उसका भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार देख करके इस प्रकार से क्या करना है, देख करके इस प्रकार से आपको चिन्ह लगा लेना है ना। ऐसे देखो अब हमने इंग्लिश में जो हमने आपको बता दिया, और तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।